नमस्कार दोस्तों, मैं राम कलेश्वर दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि अपने गाय और भैंस के दूध को हम बाल्टी में निकाल लेते हैं, फिर जो है उसका हम दूध का फैट कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो बाल्टी में है उसी में समय फैट बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि गाय भैंस को कुछ खिलाना है, कुछ पिलाना है, बिल्कुल फ्री तरीके से, कोई खर्च नहीं, कि जब हम दूध निकाल लेते हैं तो उस बाल्टी के दूध को हम किस तरह उसका फैट बढ़ा सकते हैं, कि जिससे दूध डेयरी वाले को भी पता न चले और जो दूध डेयरी मशीन है उसको भी ना पता चले। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम उस दूध का फैट बढ़ा सकें। तो हाँ दोस्तों, ऐसा दो तरीका है, मात्र दो तरीका, बिल्कुल फ्री तरीका है, उसमें आपका कोई चार्जेस नहीं है। वो तरीका क्या है दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम पहले तरीके की बात करते हैं तो दोस्तों पहला तरीका यही है जो हमारा अनुभव रहा है। हम भी लगभग 5 साल तक डेयरी में रह चुके हैं, जो हमारी खुद डेयरी थी, हमने कई कंपनी का डेयरी लिया है। तो उस समय दोस्तों हमने जो हमारा अनुभव रहा है, मैं अनुभव के तौर पर आपको बताऊंगा, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे आपकी गाय भैंस का दूध है निकालने के अगर तुरंत बाद ले जाते हो, तुरंत निकालने के बाद अगर तुरंत हम ले जाते हैं डेयरी में गर्म दूध, जब भी आप निकालेंगे दूध ताज़ा, वो दूध गर्म रहेगा, आप तुरंत ही ले जाकर मशीन में चेक कराएंगे तो उस समय भी देखने को मिलता है कि फैट कभी कभी ज़्यादा आता है। हर गाय भैंस का अलग अलग होता है, यानी गाय और भैंस कभी कभी देखने को मिलता है कि तुरंत हम ले जाते हैं उसका रेट ज़्यादा बताता है, क्योंकि दोस्तों उसमें भी देखने को मिलता है कई कारण होते हैं। मशीन में जब उसको लगाया जाता है दूध को, सबसे पहले हीट किया जाता है, यानी गर्म होता है, जो ची करता है, लाइट जलती है, वो गर्म करने के लिए होता है। तो उससे क्या है दोस्तों कि वो हो जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका दोस्तों ये भी देखने को मिला है, जैसे आप दूध निकाल लिए हैं, बाल्टी में दूध है, तो उस दूध को लगभग 15 से 20 मिनट तक अगर हम पानी में रख करके उसको ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने के बाद ले जाते हैं, तब जो है फैट ज़्यादा आता है। तो आप दोस्तों दोनों तरीका आजमाएं। कभी कभी देखने को मिला है कि दूध को अगर हम बाल्टी लेकर वहाँ जाते हैं तुरंत लगा के, तब फैट ज़्यादा बताता है, और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हम दूध को ठंडा करके ले जाते हैं तब ज़्यादा बताता है। तो यही तरीका है दोस्तों, आप बाल्टी में दूध निकालने के बाद यही एक तरीका है जिससे कि मशीन को भी ना पता चले, डेयरी वाले को भी ना पता चले, फैट भी बढ़ जाएगा। तो आप दोनों तरीका आजमाएं, जो तरीका काम करता है वही तरीका आप आजमाएं और उससे आप अपने गाय भैंस के दूध के फैट को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।